वेरी गुड इवनिंग गाइज, चंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। गाइज, काफ़ी दिनों बाद वीडियोस फिर से बनाए जा रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा पे आज से हम वीडियोस शुरू कर रहे हैं। गाइज, आज कोशिश कर रहा हूँ आपको 3-4 वीडियोस दिए जाएँ। तो क्या है समावेशी शिक्षा और क्या है समावेशन, जिसे हम इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो गाइज, एक बार सुनेंगे कहाँ से जन्म लेती है समावेशी शिक्षा, क्या है मूल आधार, क्यों आई समावेशी शिक्षा। तो गाइज, आपको सबसे पहले बता दें, विशिष्ट स्कूल बनाए गए विकलांगों के लिए, मंदबुद्धि छात्रों के लिए, पर कोई खास रिजल्ट नहीं आया गाइज, क्योंकि क्या देखा गया कि बच्चे में हीन भावना ज़्यादा पैदा हुई, अधिगम बहुत कम हुआ। मतलब बच्चे को लगा कि यार हम लोग विकलांग हैं, इसलिए हमको उठा के अलग स्कूल में डाल दिया है। तो उनको लगा नहीं यार हमको अलग थलग कर दिया गया है, तो हीन भावना ज़्यादा पैदा हुई, मंद बुद्धि। उनको लगा हम लोग दिमाग से मोटे हैं यार, हमको अलग कर दिया गया है ताकि बाकी लोग आराम से सीख सकें। तो दोस्त, बाद में क्या सोचा गया कि समावेशी शिक्षा, अगर ये बालक, मतलब एक बच्चा शारीरिक रूप, क्यों आई समावेशी शिक्षा, एक बार सुनिए। मेरे पास एक पैर नहीं है, मैं एक विकलांग हूँ, हाँ मैं पुलिस में नहीं भर्ती हो सकता, पर मैं डॉक्टर तो बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर तो बन सकता हूँ, मैं वैज्ञानिक बन सकता हूँ, बाकी सब चीज़ों में मैं सामान्य बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। अर्थात क्या पाया गया कि सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे, जैसे विकलांग बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, अधिगम निर्योग्य बालक, सृजनशील बालक, सामान्य बच्चों के साथ बाकी बच्चे भी बेहतर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम में कुछ ऐसा नहीं, हम भी सामान्य बच्चों की तरह ही हैं। तो इस आधार पर लाई गई क्या समावेशी शिक्षा, पर एक बार देखेंगे क्या रहा इतिहास। और आज आपको सबसे बड़े रहस्य पे पर्दा उठाऊंगा, क्या है सिद्धांत समावेशी शिक्षा का, क्यों होनी चाहिए शिक्षा समावेशी। पर एक बार आप देखेंगे यहाँ पे परिभाषा, और सबसे पहले एनसीईआरटी की फेमस परिभाषा है, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक मानसिक क्षमता को के आधार पर बिना भेदभाव किए शिक्षा सामान्य कक्षा में देना ही कैसी समावेशी। मतलब फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से हो, फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से हो, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ चाहे आप मंद बुद्धि हो, चाहे आपकी क्षमता ज़्यादा हो, चाहे कम हो, पर सभी को हम नियमित कक्षा में रखेंगे, ऐसी शिक्षा ही क्या कहलाती है समावेशी। मतलब कहीं समावेशन का मुख्य टारगेट केवल विकलांगों को लाना नहीं है, गरीब बच्चों, बाल श्रमिकों, काम कर रहे बच्चों, स्कूल छोड़ चुके ड्रॉप आउट्स को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर सामान्य विद्यालय में नियमित कक्षा में ही पढ़ाना मेरे बच्चों क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है इतिहास, कहाँ से जन्म लेती है समावेशी शिक्षा। पहला जो आधुनिक नया सम्मेलन हुआ, ज्योमेशियन सम्मेलन, ज्योमेशियम एक शहर है किसका, थाईलैंड का। यह सम्मेलन गाइज हुआ किसमें, 1990 में, जैसा आप देख सकते हो, और इसमें कुल 52 देशों ने भाग लिया। चर्चा का विषय क्या रहा, अनिवार्य शिक्षा। मतलब जब दुनिया में तकनीक इतना तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, हम एंड्रॉयड फोन्स चला रहे हैं, कंप्यूटर्स चला रहे हैं, ऐसे में कितने दुख की बात है कोई आदमी निरक्षर रह जाए। तो यहाँ पर केवल इतना विचार किया गया 52 देशों के बीच कि सभी देशों को ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा सरकार व्यवस्था करे कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए, अर्थात अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लाया जाए। और आप जानते हैं अनिवार्य शिक्षा ही पहला कदम है किसका, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में। तो एक बार देखेंगे दोस्त, यह रहा ज्योमेशियन सम्मेलन। दूसरा, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यहाँ से समावेशी शिक्षा की शुरुआत होती है, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट अधिवेशन था 1994 में। स्पेन का एक शहर है जिसे हम इंग्लिश में भी कॉल इट सलमान का, पर हिंदी में हम इसे सलमान का बोलते हैं, सलमान का में एक सम्मेलन हुआ जिसमें आप देख सकते हो 92 देशों ने, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। और आप देख ही सकते हो सीधा मुद्दा ही समावेशी शिक्षा का था, क्या विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विश्व सम्मेलन, सुलभता एवं क्षमता। मतलब जैसे कोई बच्चा कम देख पाता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को उल्टा दिखाई पड़ता है, कोई विकलांग बालक है, मतलब वो बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़ा हट के सीखते हैं, क्या उनके लिए कोई शिक्षा है, अगर है तो क्या बच्चे की पहुंच। इसीलिए देखिए लास्ट में क्या लिखा गया है, सुलभता एवं क्षमता। मतलब क्या ऐसी क्षमता देशों द्वारा सुलभ कराई जाती है, और अगर है तो क्या बच्चा उसकी क्षमता रखता है। यह था दोस्त, यह बहुत इम्पॉर्टेंट था, फिर से बोल रहा हूँ,
यह बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन था। तो गाइज क्या बोलता है कि इसमें 92 देश 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया और मुद्दा फिर से वही था क्या विशेष, जैसे आप जानते हो समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक ही आते हैं सामान्य बालकों के साथ साथ, तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और लास्ट में एक सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया सम्मेलन जो हुआ सन 2000 में, यह इंडोनेशिया नामक देश में हुआ। और देख सकते हैं गाइस समावेशी शिक्षा पे 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया और 2015 तक यह संकल्प लिया गया कि पूरी दुनिया में फैला दी जाएगी क्या समावेशी शिक्षा। और अब गाइस आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, और वह है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। मतलब किस बेस पे शिक्षा बनी है क्या समावेशी। और अगले पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। पहला सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सिद्धांत। तो चलिए आपको बताता हूं क्या है सामाजिक सिद्धांत। गए जब आप देखिए आप चपरासी हो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप एक वैज्ञानिक हो, या आप एक भिखारी हो, या फिर आप एक मजदूर हो, समाज में कोई भी वीआईपी कार्ड नहीं चलता गाइस। समाज कोई सरकार नहीं है, समाज तो सदियों से चला आ रहा है। समाज की निगाह में हर आदमी क्या है बराबर है। समझते जाइए समावेशी शिक्षा के पक्ष में आपको लॉजिक देने जा रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए जब समाज के लिए हर आदमी बराबर है तो शिक्षा कहाँ से निकली। शिक्षा समाज से निकली है मेरे दोस्त। अर्थात जब समाज में हर व्यक्ति बराबर है और शिक्षा में निकली है कहाँ से समाज से, अर्थात शिक्षा में भी क्या होनी चाहिए सबके लिए बराबर अवसर होने चाहिए। और आप मेरे दोस्त जानते हो फिर यह खाई क्यों, क्यों गरीब आदमी नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों विकलांग बच्चा वंचित रह जा रहा है, क्यों अंधे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है। अर्थात इन सब जगहों पर भी क्या होनी चाहिए बराबरी होनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, तो ऐसे में शिक्षा क्या होगी समावेशी होगी। फिर से सुनिए समाज के लिए हर शख्स बराबर है और शिक्षा समाज से निकली है, इसलिए शिक्षा में हर व्यक्ति भी क्या होना चाहिए बराबर, इसलिए हर आदमी को पढ़ने का मौका दिया जाए और शिक्षा क्या होनी चाहिए समावेशी। और दूसरा गाइस सिद्धांत कहलाता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत डेमोक्रेटिक सिद्धांत। और अब आप जानते हैं गाइस दुनिया का कोई संविधान उठा के देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर संविधान में एक लाइन आपको जरूर मिलेगी जात धर्म लिंग नस्ल रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आप दुनिया का कोई ऐसा संविधान नहीं है जहां शिक्षा का वर्णन नहीं किया गया हो, चाहे वो भारत देश का संविधान, कई सारे आर्टिकल एजुकेशन पे हैं दोस्त। तो अब आप सोचिए जब हमारा संविधान क्या कहता है भैया कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो शिक्षा में भेदभाव क्यों किया जा रहा है मेरे दोस्त। इसलिए शिक्षा में भी खत्म किया जाना चाहिए क्या भेदभाव खत्म करे। और आप समझ रहे हो गाइज जब भेदभाव खत्म होगा तो हर आदमी शिक्षा पाने के अवसर को प्राप्त कर सकेगा। और अपने आप जब हर प्रकार का बच्चा शिक्षा पाएगा तो विभिन्न प्रकार के बालक आएंगे और शिक्षा क्या हो जाएगी समावेशी। और अब सबसे बड़ा तर्क हमारे ही सब्जेक्ट से आता है और इसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा का कैसा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और अब हम ले जा रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक आते हैं जैसे सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक, उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं अपवंचित बालक। तो एक बार चलें गाइस आप जानते हैं कौन है अपवंचित बालक। तो देखिए जैसा मैंने लिखा है बचपन में सुविधाओं की कमी से जो बच्चा पढ़ नहीं पाया या अधिगम में पिछड़ गया ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे अपवंचित बालक। जैसे पैसा न होने की वजह से, फीस न होने की वजह से, किताब कॉपी न होने की वजह से एक बच्चा बेचारा पढ़ नहीं पाया, तो ऐसे बच्चे में पढ़ने की क्षमता तो थी पर वह सुविधाओं की कमी से आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं अपवंचित बालक। तो चलते हैं दोस्त अपन देखते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं क्या अपवंचन। तो देखते हैं एक बार अर्थ देखते हैं बचपन में सुविधाओं की कमी से शिक्षा से वंचित रह गए बालक को हम क्या बोलेंगे अपवंचित बालक। तो चलिए आप देखते हैं किस किस प्रकार का होता है अपवंचन, कैसे कैसे अपवंचन होते हैं। पहला है आर्थिक अपवंचन। हमारे देश में गाइस सबसे बड़ा अपवंचन का प्रकार यही है गरीबी के कारण न पढ़ पाने वाले बालक। कई बार आपने देखा होगा
छात्र बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है, पर घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, इस वजह से बच्चा, एक योग्य बच्चा, एक प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, यह कैसा अपवंचन कहलाता है? आर्थिक अपवंचन। दूसरा क्या है? पारिवारिक अपवंचन। माता पिता नहीं है, दूसरे लोग पाल रहे हैं, अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा रहे हैं पर इस बच्चे को बेहतर नहीं पढ़ा रहे हैं, मारपीट के काम कराते हैं, तो अनाथ बच्चे या दूसरों के पालन पोषण पर निर्भर बालक को कैसा अपवंचन होता है? परिवार का प्रेम सौहार्द नहीं मिल पाता माता पिता का, इसलिए यह कैसा अपवंचन होगा मेरे दोस्त? पारिवारिक अपवंचन होगा। तीसरा क्या है? शारीरिक अपवंचन। शरीर में कोई दिव्यांगता है, कोई विकलांगता है, इस वजह से जैसे खेलना तो चाहता है पर एक पैर ही नहीं है, तो शारीरिक दोष तुतलाना, हकलाना या कम देखना, कम साफ देखना इत्यादि के कारण जो बच्चा अपवंचित रह जाता है, यह कैसे कहलाता है? शारीरिक अपवंचन। और अब हम चलेंगे दोस्त, क्या अगला क्या है? सामाजिक अपवंचन। जैसे वो बच्चे जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जहां हिंसा रहता है, स्कूल बार बार बंद रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया दोस्त, सामाजिक अपवंचन क्या है? जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब दंगा होता है, दो दो एक एक महीने कर्फ्यू लगा रहता है, स्कूल बंद रहता है, उस दौरान बच्चे बेचारे चाह कर भी स्कूल नहीं जा सकते, यह हिंसा समाज ने फैलाई है, इसलिए यह कैसा अपवंचन है? सामाजिक अपवंचन। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अगर हमें अपवंचित बालकों को पढ़ाना है तो कैसी होनी चाहिए अपवंचित बालकों की शिक्षा। तो पहला है, अब देखिए हमने चार प्रकार बताए हैं, इसलिए चारों के हिसाब से शिक्षा बताएंगे। पहला, आर्थिक रूप से। अब आप जानते हैं जो बच्चा गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाया है तो आप क्या करोगे? ऐसे बच्चों को आप स्कॉलरशिप दिलाइए, छात्रवृत्ति, ताकि बेचारा उसका कॉपी किताब इत्यादि, जैसे आज गवर्नमेंट ने सोची मिड डे मील योजना क्यों चलाई है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही चलाई गई है क्या मिड डे मील योजना? अर्थात बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, लिए स्कूल में भोजन की व्यवस्था की गई है। आज आपको सबको मालूम है कक्षा 1 से 8 तक आप सब जानते हैं निःशुल्क कॉपी किताब भी वितरित किया जा रहा है, स्कूल की वर्दी वितरित की जा रही है, स्वेटर दिए जा रहे हैं, जूते दिए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक रूप से अपवंचित बच्चे की मिनिमम ज़रूरतों को पूरा किया जाए और वह क्या कर सके? पढ़ सके। तो इसलिए भाई साहब आर्थिक रूप से अपवंचित बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, कॉपी किताब या जो भी शिक्षण के लिए ज़रूरी सामान है। और अगला क्या है? पारिवारिक। देखिए भाई, जो बच्चे अनाथ होते हैं, माता पिता नहीं होते, स्कूल में जब भी वो पढ़ने आए आप उससे प्रेम से बातें करें, सहानुभूति दिखाएं, सौहार्दपूर्ण। उसको कहने लगे यार कि मैं घर पे ही मेरी इज्जत नहीं होती, स्कूल में भी सब लोग मुझे बेइज्जत करते हैं, स्कूल में उसको इंसल्ट मत करिए, उसके साथ कब, उनको प्रेम की ज़रूरत होती है, प्यार की चाहत होती है गाइस। इसलिए ऐसे बच्चों के साथ मित्रवत या सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। फिर है शारीरिक रूप से वंचित बालकों। जैसे गाइस क्या है, कोई बच्चा बेचारा शारीरिक रूप से वंचित है तो आजकल जानते हैं स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बैसाखी देना, चश्मे देना, साफ नहीं देख पा रहा है, कम सुन पा रहा है, कर्णयंत्र देना, इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएं, और उसके लिए बेचारा शब्द का प्रयोग ना करें। कई बार कहता है विकलांग बेचारा, हो सकता है यार लोग मुझे हे दृष्टि, बच्चों को आप विश्वास भरिए तुम कर सकते। मैंने आपको पहले बोला अपवंचित बालक का, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक ठीक है पुलिस में नहीं जा पाएगा, पर पुलिस ऑफिसर कोई वैज्ञानिक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बाकी सारे बड़े पोस्ट ओपन हैं, इसलिए उसको महसूस कराओ बेटा आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां पा सकते हो, अर्थात उसमें आप क्या भरे, आत्मविश्वास भरे। और तीसरा, सामाजिक अपवंचन के सिलाक बालकों को, मतलब ये नहीं कि यार शुद्ध शब्द नहीं बोल पाता, पिछड़े एरिया में रहता है तो उसका मजाक ना उड़ाएं, कभी उस बच्चे का मजाक ना उड़ाएं। कई बार आपने देखा होगा, मैंने कई स्कूलों में देखा, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किसी पिछड़े इलाके का बच्चा पढ़ने आता है छात्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा, कौवे को कौवा बोलता है, बाकी बच्चे उसके ऊपर हंस लेते हैं, उन्हें लगता है यार ये देहाती है इसको कुछ नहीं आता, ऐसे बच्चों का प्लीज़ मजाक ना उड़ाएं, और हो सके तो उन्हें आधुनिक चीज़ों से परिचित कराएं, ताकि बच्चा आधुनिकता, अर्थात किस प्रकार से हम अपवंचन को दूर कर सकते हैं और अपवंचित बालकों को। देखिए गाइस, अपवंचित बालक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा का, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आपको बहुत कम समय में बहुत साफ सुथरा समझाया है इस प्रकार से हम अपवंचन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। चलें गाइस अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। विद्या सहयापी मिश्रा क्लोज। थैंक यू गाइस, थैंक यू।